हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं आउटपोस्ट। दोस्तों बात चाहे सबसे तेज विकेट कीपिंग की हो या फिर मैदान पर तेज भागने की या एक बेहतर और सफल कप्तान की हो तो माही भाई सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर जितना तेज इनका बल्ला चलता है उतनी ही तेज इनका दिमाग भी। इसीलिए अगर इन्हें ग्राउंड का मास्टर माइंड कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अपना दिमाग लगाकर ग्राउंड पर ऐसे मैचेस को जिताया है कि सामने वाली टीम सोचने पर मजबूर हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको माही सर के कुछ ऐसे कारनामे दिखाने वाले हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि माही सर विकेट के पीछे रहकर सामने वाली टीम के जीते हुए मैच को भी पलटने का दम रखते थे। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ये मैच जिसमें इंडिया सेकेंड इनिंग खेलने के लिए मैदान पर उतरती है और फिर जब बैटिंग माही सर की आई तो ऑस्ट्रेलिया लगभग मैच हार चुका था, लेकिन तभी माही का विकेट गिर जाता है। लेकिन ये नजारा देखने लायक था, क्योंकि उधर ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर कैच तो पकड़ रहा था लेकिन माही ने आउट होते हुए भी अपना दिमाग लगाकर स्ट्राइक बदल दी, जिससे बैटिंग करने आया नया प्लेयर बॉलर को फेस न करे, क्योंकि वो एक या दो बॉल समझने के चक्कर में खराब सकता है। इसीलिए पहले से बैटिंग कर रहे बैट्समैन को स्ट्राइक दे दी और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला हो गया। मेरे हिसाब से इस मैच को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक मैच है। ये मैच है इंडिया और बांग्लादेश का, जिसमें इंडिया ने बड़ी चालाकी से इस मैच को जीत लिया था, क्योंकि माही सर ने पहले एक जोरदार स्पीड गेंद की और फिर बॉल को स्टंप पर दे मारा और जब तक बांग्लादेश को कुछ समझ आता वो लोग मैच हार चुके थे। इस क्लिप में आप देख सकते हैं और यादों को ताजा भी कर सकते हैं। वहीं जरा इस क्लिप को देखिए कि कैसे माही सर इस प्लेयर को रन आउट कर देते हैं और इस रन आउट को देखकर ग्राउंड पर मौजूद प्लेयर से लेकर देखने आए सभी लोग लगभग हैरान थे, क्योंकि इस तरह के रनआउट क्रिकेट हिस्ट्री में काफी कम देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि स्टंप के पीछे खड़े धोनी बैट्समैन के लिए काफी खतरनाक साबित हो जाते थे। ऐसे ही न जाने कितनी और भी क्लिप हैं कि ये वीडियो भी छोटी पड़ जाएगी। वहीं ग्राउंड पर कूल माने जाने वाले माही सर को भी कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। ये वो पल है जब माही सर सबसे ज्यादा गुस्से में नजर आए थे। ये मैच है आईपीएल 2019 का, जब राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थी, लेकिन चेन्नई को लास्ट ओवर में 18 रन चाहिए थे, जिसमें अंपायर का एक गलत डिसीजन धोनी को ग्राउंड पर ले आता है, जो कि क्रिकेट रूल के खिलाफ था। हालांकि ग्राउंड पर आने के बाद धोनी को इस गलती का एहसास भी हो जाता है और धोनी इस गलती के लिए अंपायर से माफी भी मांग लेते हैं। वैसे बांग्लादेश टीम ग्राउंड पर बदतमीजी के लिए जानी जाती है, इन्हें एक बार नहीं हजारों बार प्लेयर्स के साथ बदतमीजी करते हुए देखा गया है, लेकिन इस बार इनको ये नहीं पता था कि इनका जवाब भी इनको मिलने वाला है। इस मैच के दौरान जब बांग्लादेश की टीम बॉलिंग कर रही थी तो मुस्तफिजुर बार बार इंडियन बैट्समैन के सामने आ रहे थे, जिससे बैट्समैन को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जब यही हरकत मुस्तफिजुर ने धोनी के सामने की तो इसका जवाब धोनी ने कुछ इस तरह से दिया कि मुस्तफिजुर ये गलती धोनी के सामने दोबारा कभी नहीं किए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।